परम पूज्य महर्षि के श्री चरणारविंद में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज इतने श्रोता यहाँ बैठे हैं, सभी शांत है, किसी के मन में प्रश्न नहीं। महाराज श्री, इसका क्या समाधान है? परे कल्प वन नरक में जीव की समान ईश्वरी समता करने वाली ये दुआ रामायण का है। जो अति इंतजार करें न जड़ विवेक अभिमान परे कल्प वन नरक में जीव की समान। एक बार श्री विजया भावन महाराज के पीछे ने पूछा, अच्छा महाराज जीव और ईश्वर को ये कही है ना, मुझे कहाँ सुन के आया है? यू जो है वो तो स्वम पद का वाच्यार्थ है, स्वर तत्पद का लक्ष्यार्थ है, बाबा क्या है, और दोनों में जो वो लक्ष्यार्थ की दृष्टि से है, तो जीव जो है वो अल्प शक्ति है, अल्पज्ञ है, और ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है। जीव उपासक है, ईश्वर उपास्य है। जीव को ईश्वर की भक्ति करने के लिए और परोक्षता जब तक ईश्वर में है तब तक बिना भक्ति के उसका विवेक भी नहीं हो सकता, श्रद्धापूर्वक ही विवेक होगा। इसलिए जीव ईश्वर एक नहीं है, जीव और ईश्वर इन दोनों पदों का जो वाच्यार्थ है उससे विलक्षण जो लक्ष्य वस्तु है वो एक होते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने सर्वथा शास्त्र के अनुरूप ही कहा जीव की समान, और फिर समानता तो कभी हो ही नहीं सकती। एकत्व तो हो सकता है लक्ष्य की दृष्टि से, पर समानता तो कभी हो ही नहीं सकती। दो चीज हो और समान हो, दोनों में प्रमाण एक हो, दोनों की प्रमेयता एक तरीके हो, दोनों का प्रमाता कोई एक हो, तब न समानता हो सकती है। इसलिए जीव और ईश्वर वेदांत मत में अद्वैत मत में न समान है और न तो जीव ईश्वर एक है। जीवत्व के वाच्यार्थ का बात करके और ईश्वर के ईश्वरत्व के वाच्यार्थ का बात करके दोनों का जो लक्ष्य पदार्थ है उसको अद्वैती एक मात्र है। इसलिए जीव की समान रूप स्वामी जी ने बहुत सुंदर शास्त्रोक्त रीति से कहा है। प्राण मनयति पान प्रत्यक्ष मच्छी वामन वासी विश्व देवा उपासित। प्राण और अपान के संधि स्थल में परमात्मा की उपासना, प्राण जो है ये ऊपर आता जाता है और अपान वायु नीचे चली सकती है, दोनों का मध्य दोनों का पृथक्करण विभाजक रेखा कहाँ है? यदि अपान वायु ऊपर को चली जाए तो मृत्यु हो जाए, और यदि प्राण वायु नीचे को चली जाए तो भी मृत्यु हो जाए। तो कोई ऐसी चीज संधि दोनों के बीच में बैठी है जहाँ न प्राण है न अपान है, और वो कौन है? तो वही परमात्मा वहाँ बावन रूप से परम सुंदर रूप से वही विराजमान है। उनको प्राणी उन नमति अपान प्रति मछली वामन महसूरी। सारे जो विश्व देव है वो उसी की उपासना कर, यदि उसी पर दृष्टि जम जाए तो चित्त की एकाग्रता हो जाएगी, समाधि लग जाएगी और परमात्मा के स्वरूप का संदेहना अभावाश्चा अभाषिता संपूर्ण वृत्तियों का संस्थल विवर्ती है। तो वहाँ चिंतन करने से प्राण जहाँ जहाँ से निकल के बाहर आता है द्वादश अंगुल पर्यंत बाहर जाता है, और वहाँ एक क्षण स्थिर रह के फिर भीतर जाता है, और जहाँ से लौट जाता है तो प्राण की गति पृथक हो गई और अपान की गति पृथक हो गई। अब उसका पृथककरण जो संधिस्थल है उसमें यदि मन को एकाग्र कर दिया जाए तो वहाँ साक्षात
निर्गुण निराकार निर्विकार परमात्मा के साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। साक्षात्कार तो नहीं होता है क्योंकि साक्षात्कार तो वेदांत महावाक्य के बिना वाक्य प्रमाण के बिना नहीं होता है, परंतु एकाग्रता अथवा निरोध की स्थिति वहाँ हो जाती है। तो ये है लोगों का विस्तार के विवेचन कर रहा हूँ तो स्वामी जी का विस्तार है। ऐसा है कि प्राण में गति है ना, तो गति के लिए आकाश को चाहिए, इसलिए हृदयाकाश उसको बोलो और देश नहीं तो हृदयाकाश को उसको बोलो। जावा अयम बहिराकाश सावा अंतराकाश, जावा अंतराकाश सावा बहिराकाश, ये दोनों जो जैसे एक महात्मा तो वो लोगों को समझाते थे कि भगवान का ध्यान बाहर और भीतर दोनों चीजें, बाहर करना हो तो अपने से सवा हाथ दूर और धरती से सवा हाथ ऊपर और सवा हाथ से भगवान खड़े हैं उनका ध्यान करो, या तो हृदय में भगवान है हृदय में भगवान का ध्यान करो। अब ये विचार करो भीतर ध्यान करो शरीर के भीतर या शरीर के बाहर, होंगे तो दोनों मानसी के ही, बाहर भी जो सवा हाथ की ऊंचाई है सवा हाथ की लंबाई है सवा हाथ की दूरी है वो मानसिक है। इसी प्रकार ये देश काल आदि के संबंध में जो हम सोचते हैं वो चाहे आंख बंद करके सोचें और चाहे खुली आंख से सोचें है ये मानसिक, क्योंकि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे का अंत जो है वो कभी नहीं मिलेगा, मनसा ही उसका अंत देखना पड़ेगा कि इतना देश है इतना काल है इतना ये पदार्थ है द्रव्य है, केवल मन से ही देखना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद अज्ञात होगा। तो अच्छा बाहर भीतर देखेंगे तो कहीं स्वरूप रूप से उनका अंत नहीं मिलेगा, केवल प्रकाशक अनुष्ठान में ही उनका अंत मिल सकता है। इसलिए जो गमनागमनशील प्राण है वो वस्तुतः परमात्मा के अतिरिक्त और कोई प्रकाश नहीं है। प्राण स्वतानुभवा ब्रह्मसूत्र में इसका विचार ही किया हुआ तो जिसके स्व प्राण में वह उपाश्रय थे बंधन में वो उपाश्रय थे, तो वहाँ प्राण का परमात्मा है। अंत तो गत्वा जो गति आगति होगी वो सब की सब मानसिक ही होगी, मन की उपाधि के बिना गमनागमन हो ही नहीं सकता। तो प्राण में गति और मन में वासना है और बुद्धि में भ्रांति होने से अध्यास है, तो अध्यास भ्रांति और वासना और प्राण ये चारों मिल करके जीव को ले जाते हैं नरक में स्वर्ग में पुनर्जन्म में, जीवत्व की भ्रांति अध्यास और अध्यास की बात मन में वासना और प्राण की गति, ये जो जीवत्व का भ्रम है यही इसकी गमनागमन का हेतु होता है। जब तक प्राण माने सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में जब तक अध्यास है तादात्म्य है तब तक अपना गमन होता है और ये भ्रांति के कारण ही है उनका तत्व हो जाता है। आपके श्रीमुख से सुना है अपनत्व भाषा में नहीं भाव में होना चाहिए, कृपया दृष्टांत देकर समझा दीजिए। देखो हम तो जो बोलते हैं तो हमको भूल जाता है याद रहता है, और कल की बात हमारी बोली हुई याद ही सच्ची हो हम कभी इसी क्षण को जानते हैं, न पूर्वक क्षण को और न उत्तर क्षण को, और यही क्षण प्रतीत होता है। तो ये सब जो अपनत्व है तो ये भगवान से हो
ये तो बहुत बढ़िया है। अपनत्व माने आत्मीयता, भगवान मेरे हैं। क्योंकि संसार में पहले तो जड़ पदार्थों से ममता हो गई है, हीरा मोती सोना चांदी जमीन इनसे ममता हो गई, अब इनमें अपनत्व हो गया। फिर इससे अगर ऊपर उठे तो पशु पक्षी में ममता हो गई है, फिर रिश्तेदार नातेदार में ममता हो गई है, फिर शरीर में ममता हो गई है। तो आपका जो कि आत्मीयता है, अपनत्व माने आत्मीयता, तो परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी भी वस्तु में ममता नहीं होनी चाहिए। पहले परमात्मा को आत्मीय मानो तो दूसरों से जो आत्मीयता है वो कट जाएगी। अब इसमें जो भी साधन आपको, सालग्राम को आत्मीय मानो कि हमारे इष्ट देव हैं, चतुर्भुज को मानो, भोरे को मानो, काल सांवरे को मानो, जो विदेश के लोग आते थे वो ये कहते थे कि ये हमारे नहीं है, अलग है, इसके लिए अलगाव सब लोगों ने हिंदू रख दिया। इसीलिए वेद में, वेदांग में शिक्षा कल्प व्याकरण रूपा दे और कहीं भी इस शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। ये केवल उन लोगों ने अपने से अलग बनाने के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग कर दिया। ये व्यापृत है विदेश में। इसी प्रकार ये जो आत्मीयता है ये व्यावर्तक है। दुनिया में कोई भी अपनी वस्तु नहीं है, न जड़ न जड़ चेतन दोनों का मिश्रण, और न तो अन्य रूप से चेतन। तो इसको दूर करने के लिए पहले जैसे माता पिता में आत्मीयता होती है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, विवाह हुआ तो पति देवो भव, ऐसे होगा। तो ये क्या होगा कि ये हमारे धर्मानुष्ठान को दृढ़ करने वाला है। माता में, पिता में और गुरु में और पति में जो आत्मीय भाव है वो भी अनेक आसक्तियों को मिटाने वाला होगा। उसके बाद आसक्ति हो तो समाज से हो, तो साले पहले सुंदरता आदि गुणों को देखेंगे तो युद्ध में हो, सौंदर्य माधुर्यशाली में हो, ऐश्वर्य को देखेंगे तो विष्णु आदि चतुर्भुज में हो, और बीजात्मक को देखेंगे तो नारायण सालग्राम शिला आदि में हो। ये क्रमशः उत्कर्ष जो है, क्रमशः उत्कर्ष जो है वो अधिकारी भेद से जो सौंदर्य माधुर्य आदि के उपासक हैं उनके लिए द्विभुज आदि के सौंदर्य, और फिर उससे जो इंद्रिय कृति नहीं चाहते हैं उनके लिए ऐश्वर्य चतुर्भुज, और जो ऐश्वर्य को भी नहीं चाहते हैं उनके लिए बीज स्वरूप सर्वेश्वर ईश्वर सर्वस्व प्रभावी होता है, और उस बीजात्मक स्थिति से भी जिनको वैराग्य होता है उनके लिए नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त तुरीय परम शिव परमात्मा ऐसा होता है। तो आत्मीयता जो होती है वो प्रपंच की आत्मीयता की व्यावर्तक होती है, निकमिटाने वाली होती है। जिस संबंध से दुनिया का संबंध टूटता नहीं है वो संबंध ईश्वर का भी शिथिल संबंध है। तो अपनत्व जो है, आत्मीयता जो है वो ईश्वर से हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में हो, बिना ममत्व समत्व न हो। जब तक परमात्मा से ममता नहीं होती है तब तक जीवन में समता नहीं। समता तभी आवेगी जब परमेश्वर से ममता हो। जयदयाल कसेरा के कलकत्ते में उन्होंने बताया, महाराज एक दिन दो साधु मेरे घर में आए, भिक्षा का समय था, मैंने उन्हें भिक्षा करवाई। तो भिक्षा करने के बाद उन्होंने कहा इसलिए आओ, तुमने हमें भोजन कराया तो हम भी कुछ
उसको दे जाते हैं। और वो ये है, दुनिया में शरीर को मैं और शरीर के संबंधियों को मेरा समझना, इसका नाम तो संसार है। और नारायण किसी को भी मैं मेरा न समझना, ये संसार से मुक्ति है। जे पदे बद मोक्षाय न ममेति, ममेति च, तीन अक्षर का अमृत है, दो अक्षर का मृत्यु है। तो संसार में जो ममता जुड़ी हुई है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, अब उसको मिटाने के लिए भगवान के साथ जोड़ो, मेरा है, मेरा है, मेरा है, भगवान मेरे को गिरधर गोपाल, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पात तू जहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोसमान आरत नहीं आरत यही कोसो, ब्रह्म तू हम जीव हो, तू साहिब हो चेरो, तात नाथ गुरु सिखा तू सब बिधि तू मेरो, तुझ मुझ नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यो त्यो तुलसी गोपाल चरण शरण पावे। तो ये जो भगवान के प्रति ममता है, वो संसार से ममता छुटाने वाली है। जो ममता संसार की ममता से छुड़ावे, वो ममता हमारे जीवन में आ जा रही है। जिस आसक्ति से हमारी संसार की आसक्ति से आसक्ति छूटे, वो आसक्ति आ जा रही है। तो अपना पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। साधु हुए माँ बाप को छोड़ के आए, अब यहाँ एक माँ बाप और पैदा हो गए, और पति पुत्र को छोड़ के आए, यहाँ एक पति पुत्र और बना लिया। तो जिससे संसार में फंसते हों, उससे सावधान रहना चाहिए। ये अपनापन जो है, ये अपनत्व को लोगों ने थोड़ा संस्कृत और थोड़ा हिंदी, तुआ तो है संस्कृत का प्रत्यय, तुआ और पन, ता जो है ना, ये प्रत्यय तो है संस्कृत का और अपन शब्द है हिंदी का, दोनों को जोड़ करके अपनत्व बना लिया। इस बात से अपनापन, अपनत्व माने अपनापन, तो किसको अपना मानना। तो जाति प्रिय राम बैदेही, तजिए ताज कोटि बैरी सम, यद्यप करम सनेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण दंत, भरत महतारी बलि गुरु तजो, कंस ब्रज बंसर भय सुद मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेत जान, अंजन कहाँ आख दिल टूटे, बहुत कहो कहा, तुलसी सो सब भाग, परम प्रिय पूज्य प्राण के प्यारो, जाते हुए सत्य राम ये तो मतो हमारो, जाते प्रिय राम वैरी, तजोरे मन हरि मुखन को संग, जाके संग बुद्धि उपजत, परत भजन में भंग, सूरदास तुलसीदास ये कही बात बोलते हैं। सबके ममता ताज बटोरी, अपनापन उससे जोड़ो जिससे संसार का अपनापन छूट जाए, तो वो मुक्ति का हेतु है, वो मंगल का हेतु है। आंख में आंसू किसके लिए आते हैं, शरीर में रोमांच किसके लिए होता है, कंठ गदगद किसके लिए होता है, इसका स्मरण होने पर हमारा हृदय जो है वो व्याकुल हो जाता है। देखने जो वो है और असहज दुकुंठा, कंठ उत्कंठ आता, नर तव मुखबिंदु दृष्टि त्वरती, प्रणय पट की पासा पीड़िता नती प्राणा, प्रणय की पट की पासा से तीव्र की पासा से हमारे प्राण पीड़ित हो रहे हैं। इनको कैसे हम सांत्वना दें, कथम अभी कथया हम, हा कथम सांत्वयामि, असहनी विकुंठा, अभी अपनी सांसत कह नहीं पाते हैं, उत्कंठ आपता, उत्कंठा के कारण कंठ में आ लगे हैं प्राण, आओ प्राणनाथ, अब प्राण लागे श्री राम, हमारे प्राण व्याकुल हो रहे हैं, नन तव मुखमिंदो दृष्ट में थे त्वरा की, अभी जल्दी कर रहे हैं, त्वरा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम
प्यारे से मुखचंद्र का दर्शन करें। तो जब हृदय में परमात्मा की प्राप्ति के लिए व्याकुलता आती है, अहम निरन्यानी दिनांतराणी प्रभु त्वदालोकन मंतरेण अनासिंधो करुणयुक्त सिंधु हाहम महाहंस कथम दयामी। मेरे दिन बहुत बुरे बीत रहे हैं, ऐसी जन्म समूह सिरा में प्राणनाथ रघुनाथ संपत्ति तक सेवक पुरुष बिराने, तो नारायण बड़े बुरे दिन बीत रहे हैं तुम्हारे दर्शन के बिना। हे प्रभु वो कब समय आएगा, हे दे हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपर हे करुणैक सिंधो हा नाथ हा रमण हा नैनाभिराम हा हा कदार भविता की पदोर पदम त्रिशोर में कदार भविता की पदम त्रिशोर में। वो समय कब आएगा जब इन्हीं आंखों से मैं आपका दर्शन करूंगा। नयनम गदगद श्रीमान वदनम गदगद रुद्रया गिरा पुलकै निचितम वपुः सदा तव नाम ग्रहणे भविष्य। जैसे पुत्र समय से विद्यालय से लौटे तो व्याकुलता होती है, जैसे परदेश में गया हुआ पति समय से न लौटे तो व्याकुलता होती है, वैसी व्याकुलता जब भगवत प्राप्ति के लिए होती है तो संसार की वस्तुओं के लिए जो हमारी आसक्ति है ममता है, हमारा हृदय का भक्ति रसायन है। मधुसूदन सरस्वती जी ने बहुत बढ़िया इसका वर्णन किया है। आप कई विशेष जो भी प्रवर्तकों प्रतिपद्ध थे मूसा से तन्निभम जायते तथा भगवान के लिए जब व्याकुलता की आंच हृदय में जलती है तब हमारा हृदय प्राय शिथिल हो जाता है, पसीज जाता है। लेकिन पसीजने से काम नहीं चलेगा, पूरी तरह से गल जाए और उसमें जो रंग है वो जल जाए और वो मनोदाकार हो जाए, ऐसी भक्ति हमारे हृदय में आनी चाहिए। द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाद कथा सर्वेश्वर मनसो बोलते भक्ति नारायण। तो ये अपनत्व जो है जिसको तुम अपनत्व बोलते हो वो आत्मीयता केवल भगवान से होनी चाहिए, मेरे को गिरधर गोपाल दूसरे में कोई। अब देखो प्रसन्न वर्ष आपको ये भी सुनाते हैं कि भगवान हर समय हमारे साथ रहता है। जब हमारे पास एक पैसा नहीं था तब भगवान ने आकर हमको किराया दिया। जब हमारे पास कोई न भूखा था खाने को नहीं तब आके भगवान ने हमको भोजन दिया। हमारी भलाई को हमारी बुराई को भगवान ने क्षमा किया सहन किया। एक बार बहुत गंदी स्थिति में था तो अचानक हमको मैं बहुत किलानी से भर गया कि हम मर जाना चाहिए और भगवान ने कहा कि नहीं मैं कभी नहीं छोड़ता, चाहे खरा हो चाहे खोटा हो कैसा भी हो, भले धर्मात्मा लोग कहें कि भगवान अधर्मी को छोड़ देते हैं परंतु मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो भला हो बुरा हो सब अवस्था में मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बार स्वीकार करने के बाद फिर अस्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। दोषो यद्यपि तस्यास्यात् सताम् एतत् अधरीतम्। तो भगवान पर विश्वास करके और उनके लिए हमारा हृदय प्रवृत्त हो, हमारा कोई है तो केवल भगवान है। सब कर ममता ताग बटोरी मम पद कमल बाधु बचोरी। तो यह विधि देख न रहो देवो मन कौतुक ना बिहारो। भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित करो, यही परम कल्याण है। स्वामी स्वरूपानंद जी जो शंकराचार्य हैं आजकल द्वारका के पहले पहले जब मेरे पास आए बहुत दुबले पत्ते थे, एक वस्त्र था जिसके शरीर उन्होंने आगे पूछा शरणागति का अभ्यास किया। पहला प्रश्न उन्होंने कहा मैंने एक नाम के साथ सरस्वती मैंने जोड़ा था कि उन्होंने दंड ग्रहण को किसी मेरे साथ 5-6 वर्ष
शरणागति का क्या असर है, कोई कथा सुना किसी ने एक महात्मा के पास गया मुतलपुर के दादाजी महाराज के पास और उन्होंने कहा कि आप हमको बीमार हैं शरणागत बना दीजिए समर्पित कर दीजिए तो वो बहुत हंसे बोले कि गुरु वो गुरु कैसे कहते गुरु और विचार करो कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रभु को समर्पित नहीं है प्रभु की भक्ति है प्रभु की शरण में नहीं है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश क्या ये प्रभु का नहीं और उन्हीं से बना हुआ ये शरीर का प्रभु का नहीं है क्या जाकर जब मैं एकांत में बैठा और सोचने गया तो ऐसा मिले कि ये सब तो प्रभु का ही है उसी में एक ही मनगढ़ंत शरीर बन गया है जिसको गढ़ने वाला केवल मन है मनगढ़ंत है ये शरीर हमारा जीवन शरीर हमारा पंचभूतों से पृथक है या समष्टि अंतकरण से हमारा अंतकरण पृथक है या परिपूर्ण तत्व से हमारा आत्मा पृथक है ये तो सब का सब समर्पित ही है मैं गया उनके पास महाराज कुछ नहीं ऐसा मिलता है जो भगवान करना हो तो बोले कि अशरण का भाव मैं भगवान की शरण में नहीं हूँ ये एक राशि है सो नारायण तुम तो शरण में ही हो ये बात मैंने स्वरूपानंद जी को सुनाई तो उसी दिन से हमारी उनकी कृपा हो गई वर्षों तक के हम एक साथ हो गए ये हम भगवान के नहीं हैं हम माता के हैं हम पिता के हैं हम पति पुत्र के हैं हम पुत्र के हैं दादा दादी नाना नानी के हैं रुपये के हैं पैसे के हैं ये जो अपने ऊपर दूसरों का स्वत्व है या दूसरों पर अपना स्वत्व है यही भ्रांति मूल है इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए बुद्धि विकुम पिता नाथ है समाप्ता मनो लिखते हैं नान्य किंचित बिजाना में त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम मूढ़ कुरुते विषय यकर्दम सम्मार्जनम मिथ्या दुरदृष्ट वृष्टि भीर असो देहो गेहम पतत्येव उपरोक्त श्लोक में रोगादि का मार्जन वृथा बताया गया है इस विषय पर शास्त्रोक्त चर्चा क्या है आपका भी इस विषय में क्या निर्णय है जानने का जो मनुष्य की अपनी स्थिति उसके लिए तो ऐसा ठीक भी है
तो इतने उच्च कोटि से जिसकी स्थिति नहीं है उसको शरीर के निर्वाह के लिए कुछ कर लेना। वो कथा आपने सुनी है, ईश्वर के ऊपर सारा बोझ डालना भी जो धार्मिक लोग हैं वो स्वीकार नहीं करते। ईश्वर को रोटी ला के दे और ईश्वर तुम्हारे शरीर में दर्द होने पर पाँव दबा जाए और वो क्या थे महाराष्ट्र में एक देवी थी जिसकी चक्की पीसते थे जनाबाई। हाँ, और जिसके एक नाथ जी के घर में पानी भरते थे श्री खंडिया। तो यदि भगवान को ऐसे ही कराने का मन हो तो एक भगत जी चलते थे आगे आगे देखते थे भगवान हमारे चरणों को भूल देने के लिए आ रहे हैं। ये केंद्रीय रेणु अनुप्रजा में नित्यम हुए ये केंद्रीय रेणु। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों इंद्रप्रस्थ के आसपास कहीं यमुना तट पर घूम रहे थे तो दूर से एक कुटिया दिखी, उसमें एक वृद्धा तपस्विनी बैठी हुई। तो अर्जुन के मन में था कि मैं श्री कृष्ण का बहुत प्रेमी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जरा जाके देखना ये वृद्धा तपस्विनी क्या है क्या चाहती है। अर्जुन गए, प्रणाम किया, देखा तो उसके पास तलवार रखी हुई। तो अर्जुन ने प्रणाम करके बड़ी नम्रता से जिज्ञासा की कि माँ तुम तो तपस्विनी हो वृद्धा हो, ये तलवार कौन रखती है। तो वृद्धा ने बताया कि यदि कहीं अर्जुन हमको मिल जाए तो हम उसको मारेंगे। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले हमको अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ अर्जुन ने क्या अपराध किया है कि आप इतनी रुष्ट हो उसके ऊपर। बोले कि युद्ध भूमि में श्री कृष्ण को सामने बैठा दिया सारथी बनाकर, सामने से भीष्म द्रोण कृत के बाण आ रहे थे। कहीं उसके मन में यदि श्री कृष्ण से प्रेम होता तो वो स्वयं मर जाता, युधिष्ठिर का राज्य होता कि न होता, उनको युद्ध में आगे क्यों किया। द्रौपदी को भी मारने का मेरा मन है, क्यों कि श्री कृष्ण द्वारका में बैठकर रुक्मिणी के साथ भोजन कर रहे थे और उसने पुकार दिया गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, और भोजन छोड़ के नंगे पांव भूल भूसरित उनको दौड़ के आना पड़ा। हो जाती नंगी क्या बात थी। तो जो भक्त लोग हैं वो तो महाराज भगवान पर इतना भी बोझ नहीं डालना चाहते कि मेरे लिए भगवान को कोई चिंता करनी पड़े। तो यदि आप क्या प्रश्न है, यही तो है ना, सब कुछ भगवान को छोड़ दे वही रहा। तो जब तक आप में कर्तापन है, जब तक अच्छाई बुराई का ज्ञान है, जब तक आप में बड़ापन छोटापन है, जब तक वो स्वास्थ्य ठीक है, तब तक अपने जीवन के निर्वाह के लिए आपको स्वयं कुछ न कुछ कर लेना चाहिए, ईश्वर के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। ये सब जो बातें हैं वो निष्ठा की दृष्टि से ही हैं। जब तक आप में कर्तापन है तब तक आप करिए, और जब सर्वथा शरणागति हो जाए तो भगवान पर छोड़ दीजिए। देखो गीता में एक जगह तो ये कहा कि अज्ञान से ही हम अपने को कर्ता मानते हैं, अजयनम वेद से हंकारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ कर्म बीजानी को मारम हंती न हन्यते न हंती इति अहम न हन्यते इति अहम नायम हंती न हन्यते। दूसरी जगह बताया कि ज्ञान होने पर कर्तापन नहीं रहता। वेदाविनाशिनम नित्यम जयनम अजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम खातेयती अंतिकम। अज्ञान से कर्तृत्व है और ज्ञान से कर्तृत्व की निवृत्ति हो जाती है।
प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वतः, कहीं बताया कि प्रकृति के गुणों से कर्म होता है। निग्रह किं करिष्यति, कहीं बताया प्रकृते वच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वतः, प्रकृति से ही सारे कर्म किए जाते हैं। कहीं बताया स्वभावस्तु प्रवर्तते यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्येति मन्यते, मिथ्यैः व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा, कर्तुं नेच्छसि जन्मोहा करिष्यस्य वसोऽपि तत्। क्या आप समझते हैं कि आप निकम्मे हो तो बैठेंगे तो बैठे रह सकेंगे? नहीं रह सकते बैठे। अच्छा, ये भी कह दिया कि एक पंचायत है जो आपसे काम कराती है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवा प्रपंचमं शरीरवान मनोभिर्जत कर्म प्रारभते न न्याय्यं वा विपरीतं वा संचयते तस्येतवा तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तुजा पश्यत्य कृत बुद्धित्वा न स पश्यति गुरुमते। कहीं कह दिया कि ईश्वर ही सब काम करवाता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्गुण तिष्ठति ग्रामेण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया। अब आप देखो इनमें से आपकी स्थिति कहाँ है। यदि आप में भजन का भी कर्तृत्व है तो आपको अपने शरीर के निर्वाह आदि के लिए जो आवश्यक है, और नहीं तो इच्छा ही सही, परंतु अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए, ईश्वर पर अपना बोझ नहीं डालना चाहिए। और यदि आपकी ऐसी शरणागति है, ऐसी निष्ठा है, ऐसी दृष्टि है, तो फिर पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमसे क्यों पूछते हैं? हमसे पूछेंगे तो हम आपके कर्तव्य का ही उपदेश करेंगे, आपके कर्तव्य को छुड़ावेंगे थोड़े। भगवान अविद्या निवृत्ति का स्वरूप क्या है? कोई इसे सद अधिष्ठान स्वरूप मानते हैं, कोई असत स्वरूप, कोई सद असत उभय रूप, तो कभी इसे अनिर्वचन भी कहा जाता है। देखो, अविद्या अनिर्वचनीय है। अविद्या अनिर्वचनीय है माने सत्वा तत्वा ज्ञान, तत्वा तत्वा ज्ञान अनिर्वचनीय है। माने अज्ञानी की दृष्टि से तो अविद्या है, नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, और तत्वज्ञ की दृष्टि से अविद्या है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो अविद्या हुई अनिर्वचनीय, इसलिए अविद्या की निवृत्ति भी होगी अनिर्वचनीय। जिसकी स्थिति अनिर्वचनीय है उसकी निवृत्ति भी अनिर्वचनीय होगी। इसलिए अविद्या की निवृत्ति न सद्रूप है न असद्रूप है न सदसद्रूप है। ये श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने श्री भाष्य के आरंभ में ही स्वरूपानुपत्ति निमित्तानुपत्ति निवृत्त्यनुपत्ति आश्रयानुपत्ति ऐसे करके सात अनुपत्ति अविद्या के संबंध में श्री भाष्य के आरंभ में दी है। तो अद्वैत वेदांतियों के मत में तो अविद्या कर्म रूपा नहीं है, जैसा कि श्री रामानुजाचार्य के मत का है। ये तो अविद्या अनिर्वचनीय है, ये इसकी निवृत्ति भी अनिर्वचनीय रूप ही होती है, अनिर्वचनीय की निवृत्ति भी अनिर्वचनीय रूप ही। यही तो प्रश्न था ना, इसका स्वरूप क्या है? वही अनिर्वचनीय है, उसका स्वरूप वो भ्रांति की तो माँ है। इसलिए कार्य से तो अविद्या की उत्पत्ति होती है, परंतु अधिष्ठान दृष्टि से अविद्या कुछ नहीं है, इसलिए उसकी उत्पत्ति नहीं है। मुझे इतने वेदांत की खटपट बात समझ में नहीं आते, महाराज से आप तो कृपा करके ऐसे बताइए जैसे भगवान नाम में रूप में ध्यान में जप में हमारे भगवान नाम की महिमा सुनो। ईश्वर कृपा से भगवान ने आपको बहुत अच्छी समझ दी है। इस समझ माने समझ्या जिसके भीतर भगवान रहे, समझ जिसके भीतर भगवान रहे वो तो समझ, और जिसके भीतर भगवान न रहे उसका नाम ना समझी है, अविद्या है। आप बिल्कुल खटपट की खटपट में मत पड़िए, वो आपके लिए है भी नहीं। जो
तत्व ज्ञान जो है वो सर्वसाधारण ही है, वो उसका अधिकारी विरक्त पुरुष ही होता है। वैराग्य हो, जिज्ञासा हो, संजीवनी की शक्ति हो, निर्प्रेरणा ज्ञान योग न्यासिनाम कर्म से विश्व निर्वीण चिस्ता नाम कर्म योग कामना ना निर्वीणो ना कि सको भक्ति योग से देगा। तो पूरा पूरा वैराग्य भी नहीं है और पूरी पूरी आसक्ति भी नहीं है। अब इस समय आप संसार से तो कीजिए वैराग्य और अपने मन में भगवान की आसक्ति धारण कीजिए। सबसे सुगम है भगवान का नाम। आप कहीं भी रहिए, इसमें कुछ देश काल का विचार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपवित्र पवित्रोबा ऐसा बोल करके तो कहते ही हैं कि अपवित्र दशा में भी भगवान का स्मरण आप करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। अपवित्र पवित्रोबा एक बात यह है कि सर्वावस्थांग टोपी का अर्थ है कि चाहे खाट कर लेते हो, चाहे सपने में हो, चाहे जागृत में हो, चाहे बच्चे हों, जवान हों, बुद्धे हों, और पतित से पतित ही दशा में हो तब भी पतितस खलितस चारता पतित हो, स्खलित हो, चारतार्थ हो, कैसी भी अवस्था में भगवान का नाम आप ले सकते हैं। नाम कलिसंकरणों परिषद में तो एक प्रश्न ही उठाया है, दोष विधि नाश से विधि विधि, इसके जब की क्या विधि है? तो कोई विधि नहीं, नाश से विधि। तो बिना विधि के जप करने से भी जिसका इतना महत्व है, यदि विधि से उसका महत्व उसका जप करेंगे तो फिर क्या पूछना है। इसलिए नाम जो है आपके दुख को दूर करता है, नाम पाप को दूर करता है, ये दुख का कारण है। पाप और ताप, तो ताप तो आता है प्रारब्ध से और पाप होता है करने से। तो जो वर्तमान में किए हुए पाप हैं उनका भी नाश कर ले और जो पूर्व पूर्व जन्मकृत जो पाप हैं उनसे होने वाले ताप का भी नाश कर ले। प्रारब्ध वृत ताप जो है ये प्रारब्ध जन्य है, इसको भी भगवान का नाम मिटाता है। इसी से किसी भी नाम लेने वाले को पापी कहना कि ये पतित है, ये पापी है, ये एक प्रकार से भगवान नाम का अपमान है। जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है, एक बार भी उच्चारण करता है, सतदुच्चरितम जेना हरिदित्य क्षण द्वयम कथक परिदृष्टेना मोक्षाय गमनम प्रति, जो भगवान का नाम लेता है उसके बारे में पापी होने की आशंका जो है वही आशंका ही पापी बना देती है जिसके हृदय में आशंका है। नारायण, इसलिए भगवान का नाम सर्वोत्तम है। मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानाम, तो सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा ऋगुवर नरमात्रम तारे कृष्ण नामा। ऐसा मधुर मधुर भगवान का नाम, फिर भगवान का रूप क्या सुंदर है। विस्मापनम स्वस्य च श्रीमद् भागवत में कहा कि स्वयं भगवान भी अपने रूप को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अहो मैं इतना सुंदर हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु में उदाहरण दिया है, अहमपि परिभोक्तुं कामये राधिके, मैं तो इतना सुंदर हूँ, अपरिकरित पूर्व चमत्कारकारी, ये क्या है जो मैं शीशे में देख रहा हूँ। ये तो इतना सुंदर है कि जैसे श्री राधा रानी इसको चाहते हैं वैसे मैं भी इससे प्रेम करने लगा हूँ। ऐसा विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्भे परम पदम भूषण भूषणांग, भूषण भूषणांग है मान के एक एक अंग भूषण को भी आभूषित करने वाले हैं। इसी से कोशों में शोभा का एक नाम विच्छित्ति, विच्छित्ति का क्या अर्थ होता है कि इतने सुंदर हैं भगवान के अंग कि उनको कोई देख नहीं सकता। तो हाथ में कंगन पहना दिया, अंगुली में अंगूठी पहना दिया, बाह में बाजूबंद पहना दिया, तो क्या हुआ कि शोभा के जब उन्होंने आवरण किया,
आभूषणों ने भगवान की शोभा पर आवरण किया, आवरण किया तो भगवान का हाथ दिखने लगा। अगर ये आभूषण न होते तो उस सौंदर्य को, उस माधुर्य को देखने की शक्ति किसी के मन में या किसी के नेत्र में नहीं होती। तो विच्छित्ति माने बीच बीच में विच्छिद विच्छिद भगवान के अंगों का दर्शन कराते हैं, इसलिए भूषण है। भगवान का नाम है, रूप है, उनकी लीला है, उनके गुण है, उनका तत्व है, रहस्य है, उनका धाम है। नाम, धाम, रूप, लीला, इनका स्मरण करो और आनंद से बद्धे नाम जगना नते सुरसा गात्रे सरोमोद गई। हाथ जुड़े हुए हों, सिर छुटा हुआ है, शरीर में रोमांच हो रहा है, गात्रे सरोमोद गई, कंठे न स्वरगद गदे सुगद नयने नोरगीर वाष्पाम बुना आप आंसू उगल रहे हैं। नित्यंत चरणारविंद जुगल ध्यानामृता स्वादिना अस्माकं सरसी वाक्ष सततम संपद्यताम जीवितम। हृदय में भगवान का ध्यान हो, इस तरह से हमारा जीवन व्यतीत हो। भगवान का नाम उच्चारण करते स्मरण आते ही देखो शुश्रूषु भी सत्सात जो श्रीमद भागवत में अभी स्वामी जी दो चार दिन में सुनाएंगे। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्री पुनाती, प्रश्न पुनाती किमुत कथा, कथा भी पुनाती किम पुनः स्वयं वासुदेव। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्री पुनाती विश्वम वैश्वानरम विराजम पुनाती हिरण्य गर्भम पुनाती प्राज्ञम पुनाती पुरुषा स्त्री पुनाती यतः प्रश्नोपि तुरीयः, तुरीय विषय का प्रश्नोपि तुरीयः अतएव त्रीन पुरुषा पुनाती। नारायण अक्षराक्षर विलक्षण भगवान की कथा क्या पवित्र नहीं कर देती है। तो इस तरह से आपकी बुद्धि बहुत उत्तम है, उसमें घटपट की खटपट मिटी, झटपट मिली आ रहा का चिंतन छोड़ करके, क्योंकि उसके विचार की जो बुद्धि होती है वो दूसरे अधिकारियों की अद्भुत चित्त की बुद्धि होती है। ऐसा श्री मधुसूदन सरस्वती निर्णय किया है कि भगवान के नाम गुण आदि का श्रवण करके जिनकी आंखों में आंसू नहीं आते, शरीर में रोमांच नहीं होता, चित्त जो है वो द्रवित नहीं होता, उन लोगों के लिए अद्भुत चित्त किंतु शुद्ध चित्त शुद्ध हो और अद्भुत हो तब तो वो वेदांत ज्ञान का अधिकारी होता है। और नारायण ये तो सबके घर में जा करके महाराज शुद्ध करने वाला, घर घर जा करके भोजन देने वाला है। एक बार प्रयागराज में सभा हो रही थी, प्रयाग के सबसे बड़े बड़े लोग उसमें जो थे उस समय सी वाई चिंतामणि जी करके संपादक थे, उन्होंने विशाल गिरजा सुनकर बहुत डॉक्टर पन्ना लाल थे। तो ईश्वर शरण जी जो गांधी जी के बहुत अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि मन साफ हो तब भगवान का नाम लेने से लाभ है, यदि मन ही साफ नहीं है तो नाम लेने से क्या होगा। इस पर एक लोग को खड़ा कर दिया, प्रश्न कर दिया, खड़ा हो गया कि आखिर मन को साफ कैसे किया जाए, क्या उपाय है मन को साफ करने का। जब साफ होगा तब तो हम भगवान का नाम लेंगे, आखिर मन को साफ कैसे करें। सब लोगों ने महाराज बहुत प्रसन्नता प्रकट की कि मन को साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए तो भगवान का नाम है। नमयति नमयति वा भगवंतम सप्तम, जो भगवान को झुका के वैकुंठ से लाकर हमारे हृदय में बैठा दे या जो भक्त के अभिमान को तोड़कर भगवान को भुला दे उसको नाम कहते हैं। नाम कौन ऐसा है जो नाम की शरण लिए बिना भगवान के किसी भी स्वरूप की निर्गुण सगुण की प्राप्ति कर सकता है। क्या सन्यासी लोग प्रणव का जब कर सकते हैं, क्या उपनिषद नाम स्वरूप नहीं है, क्या सत भगवान का नाम नहीं है, क्या तत् भगवान का नाम नहीं है, क्या त्वम भगवान का नाम नहीं है।
क्या असली भगवान का नाम नहीं है नारायण? तो बिना नाम के तो व्यवहार में भी गति नहीं है, परमार्थ की तो कहना ही क्या। इसलिए आप झटपट की खटपट को न करके सीधे सीधे भगवान के नाम का जप कीजिए, ध्यान कीजिए। बड़ा मधुर है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार। श्री रूप गोस्वामी जी ने तो क्या बढ़िया कहा, तुंडे कांडविनी रतिम वितरते तुंडावरी लब्धे। जब मुख में भगवान का नाम आता है तो ऐसी इच्छा होती है, ऐसी रुचि होती है, एक दो नहीं हजारों में होते और उसे हम भगवान का नाम लेते, कृष्णा 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 वृंदावली करते। कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटे थे, जब कानों में भगवान का नाम आता है तो मन होता है कि अरबों कान हो जाए। चेत प्राण संगिनी विजय थे सर्वेन्द्रियाणाम, यदि रसगुल्ला मुंह में गया और उसका रस गले से नीचे उतरा तो थूको तब भी उसकी मिठास आ जाएगी। ऐसे यदि भगवान का नाम हमारे मुख में आया, ऐसा मधुर है, मधुर मधुर अत्यंत मधुर, चित्त में जा करके चिपक जाता है। चेत प्रांगण संगिनी और सब इंद्रिया कान बाहर नहीं सुनना चाहता, वहां जाते रोज 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 भगवान के नौकुर की चिंकार सुनता है, सर्वेन्द्रियाराम करके बंसी ध्वनि सुनता है, वहाँ उनके मधुर स्पर्श का अनुभव करता है, उनकी रूप माधुरी का आस्वादन करता है, उनका रस चखता है, उनके सौरभ में आठ नौ स्तवकों में उन्होंने भक्ति रस का इतना सुंदर निरूपण किया है, हमको मालूम नहीं कि नागर लिखी हुए छपा कि नहीं, मूल उसका जो है बहुत बढ़िया है। अद्भुत भक्त रस का उसमें निरूपण और साधकों की भूमिका का बहुत बढ़िया निरूपण है। जब भगवान की गंध आई नाक में तो कान में, त्वचा में, आंख में और जिह्वा में अपना स्थान छोड़ दिया, सब जब भगवान की बंसी ध्वनि सुनाई पड़ी, सब सब इंद्रिया अपना अपना स्थान छोड़कर कान में चली गई। और जब भगवान ने उतारा आंख खुल गई, उनकी सुनाओ कुछ सुनाई, जब भगवान ने कंधे पर हाथ रख दिया, वो भगवान ने अपने हाथ के सुपात दे दिया, अद्भुत दिशा हो जाती है। शक्ति की जीवन में परिवर्तन करने वाली वस्तु तो शक्ति है, तत्व ज्ञान तो केवल अज्ञान को दूर करने के लिए है। अभी तो संसार की आसक्तियां दुख दे रही है, उनको दूर करने के लिए भगवान से आसक्ति होने के लिए और आसक्ति होने पर भगवान से स्वतंत्र की आसक्ति छूटती है और फिर परमात्मा स्वरूप नंगा होकर सबसे भगवान को देखते हैं। निरावरण निरावरण होकर के भगवान सबसे नहीं मिलते हैं, निरावरण तो उसी से होते हैं जो स्वयं अपनी वासनाओं का और अपने अज्ञान का आवरण त्याग कर भगवान से मिलता है। महाराज जी, प्रेम में देह के संबंध से नामकरण होता है, जैसे माता पिता पत्नी मित्र आदि, किंतु यदि देह सुख का छल ना हो तो प्रेम में संबंध की क्या आवश्यकता है, विशेषकर भक्ति के मार्ग में जो कि वात्सल्य मधुर सख्यादि भाव संबंध बनाए जाते हैं, उनकी आवश्यकता है क्या? प्रेम भाव बिना संबंध के क्या टिक सकता है? इसका शरीर के साथ स्वाभाविक संबंध, इसी प्रकार जल में आप्यायनी शक्ति है उसका शरीर के साथ स्वाभाविक संबंध है। ऐसे तेजस है तो ऊष्मा बन करके टेम्परेचर बन करके वो शरीर में हमारे स्वाभाविक रहती है, इसी प्रकार वायु तत्व है तो हमारे प्राण के साथ प्राणी शक्ति उसकी धारिणी आप्यायनी और प्रकाशिनी
और प्राणिनी और नारायण व्यापिनी आकाश के रूप में व्यापिनी, तो एक तत्व में गढ़ा हुआ जो जीवन है नन्नासा, उसके अपने मूलभूत तत्व से संबंध स्थापित नहीं करना पड़ता, वो तो है पहले से। इसी प्रकार जीव जो है उसको ईश्वर से संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो है, वो तो संबंध तो है, वो शरीरी है और ये शरीर है, वो अंशी है, वो अंश है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, तो वो तो अंशांशी संबंध तो परमेश्वर के साथ है ही, परंतु वो किसी कारण से संसार के संबंधियों के साथ संबंध जोड़ने से वो विस्मृत हो गया है, उसका अज्ञान हो गया है। अद्वैती कहेंगे अज्ञान हो गया है, भक्त लोग कहेंगे विस्मरण हो गया है। उस विस्मृति को दूर करने के लिए स्मृति को जगाते हैं और उस अज्ञान को दूर करने के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जिज्ञासा करना चाहते हैं। तो भगवान के साथ कोई मनगढ़ंत संबंध जोड़ना नहीं है, जो स्वाभाविक संबंध है उस संबंध पर जो पर्दा पड़ गया है उस पर्दे को फाड़ करके फेंकना है। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ना पड़ता नहीं है। और तुम जहाँ भी रहोगे, नरक में भी रहोगे, हमारे महात्मा ने कहा कि यदि तुमको नरक में जाना होगा तो बेटा मैं वहाँ भी तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, नरक में भी तुमको नहीं छोड़ूंगा। तुम देखो तो तुम्हारे आत्मा के स्वरूप में, तुम्हारे संबंध के स्वरूप में कहीं कोई परिवर्तन होता है? हम आग में कूद पड़े कि पानी में डूब मरे, तो परमात्मा के साथ कभी संबंध छूट नहीं सकता। एक बार जिसको उसने स्वीकार किया, और स्वीकृति है ही स्वाभाविक स्वीकृति है, कभी परमात्मा से अलगाव का कोई प्रश्न ही नहीं है, केवल अज्ञान केवल विस्मरण। स्मरण करो भगवान का, इसी में तो कल्याण है। स्मृते सकल कल्याण, जिसके स्मरण मात्र से ही, स्मरण मात्र से ही परम कल्याण होता है। स्मरण के बिना तो मरण ही है और कुछ नहीं है। ओ, बाधक का भी एक अधिकार, और दूसरी बात जो है कि गुरु जी महाराज जिसको जिसका अधिकारी समझ करके बताओ उसको जगह अपने मन से ध्यान करेंगे तो कभी छोड़ देंगे, बदल देंगे। और गुरु के बताने से ये लोग कहते हैं कि उन्होंने देखा है किताब में चार मंत्र लिख दिए, फिर लिख दिया कि जो तुमको पसंद हो इन चारों में से एक कर लो, चार ध्यान लिख दिए उनमें से चाहे जो कर लो दूसरों का फिर। असल में ये पद्धति शास्त्रों पद्धति तो ये है, अपने मन की पसंद नहीं करने के लिए, मन को तो रोकना है उसकी पसंद की ओर से। जो अपने मन को पसंद न हो वो जब गुरु बतावे तो उसमें तो मन का निरोध होता है, मन का वशीकरण होता है। और अपने मन की पसंद पर ही अगर आगे बढ़ने जरूरत से जाएंगे तो मन को जाने कहाँ ले जाएगा। इसलिए जिनके हृदय में दास के भाव है उनको तो राजा विराज महाराज भगवान श्री रामचंद्र का ध्यान कर सकते हैं, जिनके मन में पात्सल्य भाव है उनको बालक राम का ध्यान करना चाहिए, जिनके मन में मधुर भाव है उनको दूल्हा राम का ध्यान करना चाहिए, और जिनको जिनको वैराग्य विरक्त अपने घर में चित्रकूट में जो है रामचंद्र को देखना है और दक्षिणा रहने में देखना है, वैसे चित्रकूट में भी श्रृंगार का बहुत वर्णन है महाराज महात्माओं, बहुत वर्णन किया है चित्रकूट में। दंडकारण्य में तो कम है पर चित्रकूट में तो बहुत ही श्रृंगार का वर्णन किया है। इसके लिए
बड़े बड़े बुद्धे हैं, अगस्त्य संहिता है, कौशल खंड है, उसमें रामचंद्र की मधुर लीला का वर्णन है। तो ये एक को अधिकारी भेद और एक गुरु की आज्ञा का पालन, इन दो बातों को लेकर किसको कौन सा ध्यान करना चाहिए ये निश्चय होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र को सर्वरूप है, आत्मा भी है, शांत रस में आत्मा के रूप में सीताराम भगवान का ध्यान होगा, साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्रत्यक्ष चैतन्य रूप में ऐश्वर्य का दास भाव में ऐश्वर्य काली के रूप में होगा ध्यान, और सत्य भाव में सखा के रूप में ध्यान होगा, और वात्सल्य भाव में बालक के रूप में ध्यान होगा, और श्रृंगार पक्ष में भगवान के श्रृंगार का ध्यान होगा। और ये सभी प्रणालियां, ये सभी पद्धतियां महात्माओं में प्रचलित हैं। इसमें मूल बात यही है कि हम अपने मन के अनुसार कर रहे हैं कि गुरु के बताए के अनुसार करेंगे। गुरु के बताए के अनुसार करेंगे तब तो मन का संक्षेप होगा, और यदि अपने मन से करेंगे तो मन का विस्तार हो जाएगा, और कर्तों मकर्तों मान्यता कर्तों सामर्थ्य मन में हो जाएगा। मन होगा तो करेंगे, मन होगा तो नहीं करेंगे, मन होगा तो बदल देंगे। इसलिए ये साधना का जो पक्ष है वो मन पर बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल शास्त्र शास्त्र के अनुकूल गुरु हो और गुरु की शिक्षा दीक्षा के अनुसार शिष्य का जीवन हो, और शिष्य भगवान के सिवा दूसरे के प्रति प्रीति न हो। जहाँ जहाँ अपनी दृष्टि से अन्यता है वहाँ वहाँ प्रीति नहीं होती। ऐसे हम लोगों ने देखे, जरा मनुष्य का राम का रूप आ गया तो लोगों ने कृष्ण को छोड़ दिया, और कृष्ण का मनुष्य रूप आ गया एक जैसे तुम्हारा पहले सीताराम बाबा, वो पहले वध में रहते थे, बाद में यहाँ आ गए, यहाँ आ गए तो रासलीला की मंडली के साथ मिल गए, और मिल गए तो फिर रासलीला में तबला बजा के चिमटा बजा के नाचने लगे, जोकर बन गए, सब आगे रासलीला में बन गए। तो बहुत दिनों के बाद उनको एक स्वप्न आया, स्वप्न आया कि एक दिन भगवान श्री सीता रामचंद्र भगवान ने अपने दरबार में उनको बुलाया, और बुला के उनको डांटा कि तुमको मेरे भक्त थे, मेरे तेरे प्रेमी थे, ये ब्रज में जा करके तुम कृष्ण से प्रेमी कैसे बन गए, मैं तो बहुत गलत काम किया। सीताराम बाबा ने कहा मैं क्या करूं महाराज, एक का ब्याह हुआ था किसी के साथ, अपनी पत्नी को लेकर कहीं जा रहा था, बीच में कोई चोरों का सरदार मिला और उसने उसकी बहू को छीन लिया। तो यदि पति बलवान होता तब तो अपने बहू की रक्षा करता, अपने पास रखता, और जब पति कमजोर निकला तो चोर उसको ले गया, तो इसमें हमारा क्या दोष है। अब भगवान रामचंद्र ने कहा कि अच्छा बुलाओ उस नंदनंदन श्री कृष्ण को बुलाओ। अब महाराज बुलाए गए, तो कांटे पर कमरिया काली कमरिया रखे हाथ में छड़ी दिए जाय चराने की, दूर दूसरे आकर के श्री रामचंद्र भगवान के दरबार में खड़े हो गए, और कुर्जित अनेक भगवान में जाता आके नमस्कार किया। श्री रामचंद्र भगवान ने पूछा कि मैंने तुमको अपनी गौशाला का गौरव का मालिक बनाया था और गाय चराने के लिए दी थी, और 84 कोस की जागी हुई दे रही थी, तुम लोग हंसो खेलो गाओ ग्वालियर आ रहा, अब तो हमारे प्रेमियों को ही छीनने लग गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने मेरे कंधे पर हाथ रखा बड़े जोर से, और ले जाकर के श्री रामचंद्र के चरणों में पटक दिया। तो फिर मैं भगवान रामचंद्र का भजन करने लगा। तुमने तो सुना होगा मनोहर लाल जी, मनोहर सुना तुमने, सुना कि नहीं, कम सुनाई पड़ा, सुना था
और सुना था शौक मुझे और तो बहुत था याद नहीं रही और मैं सुनता भी कम वो हरे बाबा जी को भी सुनाया था ये नारायण ऐसी बात है जहाँ तक हो सके मनमानी नहीं करनी चाहिए और मंत्र को गुप्त रखना बहुत आवश्यक है। यदि अपने मंत्र को गुप्त न रखे अपने इष्ट देव को गुप्त न रखे तो उसका मन इतना कमजोर है कि वो तो कोई रहस्य के अनुभव के योग्य ही नहीं है। रहस्य के अनुभव की योग्यता तो तभी होती है जब मनोबल इतना हो कि उसके हृदय की जो साधना है वो किसी के सामने प्रकट न हो। तो ये इष्ट का निर्णय और मंत्र का निर्णय और साधना पद्धति का निर्णय गुरु की आज्ञा से ही होना चाहिए और ये सब ठीक है। और स्वामी ईश्वर निशानी प्रभु जी बालक प्रभु जी सखा प्रभु जी और सुधा प्रभु जी और आत्मा प्रभु जी ये सब के सब ठीक है। वह अपना अधिकार और वो अधिकार की पहचान भी गुरु को ही होती है। शिष्य स्वयं अपने अधिकार को पहचान करता और ये सब चलते ही रहता है।